नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश रिजल्ट जो कि यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि नवंबर के पहले यानी कि 30 नवंबर जो महीना निकल गया है उसमें रिजल्ट आना था। तो लेकिन दोस्तों, यह नवंबर रिजल्ट नहीं आया, अब तो यह डेट इसकी बढ़ चुकी है। तो आपको यह डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह डेट कब होनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि 30 नवंबर से पहले यहाँ पर रिजल्ट आना था, लेकिन यह नहीं हुआ है, क्या रद्द हो गया है, अब इसके बाद रिजल्ट आएगा। यानी कि यह भी दोस्तों रद्द हो सकता है कि एक जो फर्स्ट वीक में यहाँ पर दिसंबर में फिजिकल होने वाले थे वह भी अब फिजिकल नहीं हो पाएंगे फर्स्ट वीक में दिसंबर के। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं। मैं आपके सामने एक प्रूफ ला रहा हूँ जिसके सामने आपको अभी यकीन हो जाएगा कि जी हाँ, जो रिजल्ट आने वाला था वह कैंसिल या फिर रद्द हो गया है। तो चलिए उस प्रूफ पर चल लेते हैं। दोस्तों यह न्यूज़ है जो कटिंग है पेपर की। इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती का रिजल्ट 15 दिसंबर को घोषित होगा। तो दोस्तों, अभी जो फर्स्ट वीक में जो कि फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह भी रद्द हो गया है। अब जो रिजल्ट आने वाला है वह 15 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, और इसके बाद ही यानी कि 10 दिन बाद इसके फिजिकल स्टार्ट होंगे। यानी कि आप यह मान सकते हैं दोस्तों कि दिसंबर के लास्ट वीक में फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? दिसंबर के लास्ट वीक में या इसमें फिजिकल होंगे। अभी फ़िलहाल फिजिकल भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जब रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद ही यहाँ पर फिजिकल होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो कहा गया है कि इसमें पहले जो दोस्तों सिपाही की भर्ती है उसकी आरक्षी पीसीए पदों पर जो सीधी भर्ती की गई थी 2018 में, उसी का रिजल्ट है जो कि 15 दिसंबर को आने वाला है। इससे पहले नहीं आएगा, यानी कि पहले जो था वह 30 नवंबर के पहले आने वाला था, लेकिन अब 30 नवंबर के पहले तो नहीं आया, क्योंकि 30 नवंबर से नवंबर निकल चुका है और दिसंबर की आज तारीख 2 है, इसलिए यह रिजल्ट रद्द हो गया है। अब 15 दिसंबर को यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।